शिखर धवन और संजू सैमसन की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बदौलत टीम इंडिया ए ने साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट जो सीरीज थी उसका फिफ्थ और लास्ट ओडीआई 36 रन से जीत लिया है। नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं ऋषभ सिंह रावत। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के एडिटर मनोज जोशी सर। आज हम बात करेंगे जो फाइनल ओडीआई था जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में त्रिवेंद्रम में खेला गया था, उसमें क्या पॉजिटिव्स थे इंडिया के साइड के लिए। हर बार की तरह ये बारिश के कारण मैच जो लिमिटेड हो गया था 20 ओवर्स के लिए, लेकिन फिर भी इंडिया की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, खासकर जो उन्होंने चेस करते हुए रिस्ट्रिक्ट किया साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग को। सर, तो कैसा था इनका परफॉर्मेंस 204 पोस्ट की पहली इनिंग्स में और रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनको 170 के अंडर ही। इसका बहुत बड़ा श्रेय अगर जाता है तो शिखर धवन को जाता है, संजू सैमसन को जाता है। एक पहला विकेट बहुत जल्दी गिरने के बाद दोनों ने कमान बखूबी संभाली, 135 रन की पार्टनरशिप की और वो भी 75 गेंदों पर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मनोबल बड़ा होगा बाकी खिलाड़ियों का भी। और श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से धमाकेदार बल्लेबाजी की, एक ओवर में 4 चौके उन्होंने लगाए। संजू सैमसन और शिखर धवन जिस समय बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय उनका शायद वो ये सोचकर आए थे कि हर ओवर में एक चौका या एक छक्का जरूर लगाना है। अब देखिए, 7 छक्के लगाए हैं संजू सैमसन ने। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम इंडिया में कितना कंपटीशन है इस वक्त विकेट कीपर को लेकर। हालांकि एक T20 में उनको मौका मिल चुका है, उसमें उन्हें बतौर विकेट कीपर नहीं खिलाया गया था, तब उथप्पा को खिलाया गया था जिम्बाब्वे के खिलाफ जाते हुए सारे में। लेकिन उनका दावा मजबूत है, कीपिंग ठीक ठाक करते हैं, आईपीएल में सब उनके जलवे देख चुके हैं, 2 सेंचुरी उनके नाम पर हैं। तो अब ईशान किशन जिन्होंने पीछे 24-25 गेंद पर 56-57 रन कुछ बनाए थे, संजू सैमसन हैं और ऋषभ पंत जो कि एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं इस वक्त, भारतीय टीम में बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। तो ऐसे समय में इस जो त्रिमूर्ति है इनमें से कौन आगे बढ़ेगा और जो अपना सिलेक्टर्स हैं किस पर ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे, ये इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। जी, जैसे शिखर धवन की बात हुई, उन्होंने 36 बॉलों में 51 रन स्कोर किए और वहीं संजू सैमसन ने 48 बॉल पे 91 रन बनाए। मतलब सर ऑलमोस्ट 190 के स्ट्राइक रेट से मार रहे, तो दिखाता है जैसे आप कह रहे हैं ऋषभ पंत की जो कमान छीनी जा सकती है विकेट कप्तानी, क्योंकि इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे। अगर आप T20 की बात करें, लास्ट भले उनकी पारी में 50 मारा था उन्होंने, मैच विनिंग नॉक खेली थी, लेकिन फिर भी जो कंसिस्टेंसी चाहिए एक इंटरनेशनल खिलाड़ी से। अगर आप धोनी के बूट्स फिल करने की बात करते हैं तो क्या वो आपको दिखते हैं इतने खड़े उतरते हैं? अलग अलग फॉर्मेट के लिए आप अलग अलग विकेट कीपर बैट्समैन रख लें तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपको आप जल्दबाजी में ये फैसला लें कि तीनों फॉर्मेट में यही खेलेंगे, ऋषभ पंत ही खेलेंगे, तो वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहता है। और ऐसा नहीं है कि ईशान किशन या संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो बहुत आराम से बैठे होंगे, इसका भी उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। क्योंकि जो बल्लेबाज टीम में है या जो खिलाड़ी टीम में है वो निश्चित तौर पर ये जरूर सोचता है कि ऐसे समय में जब उसके राइवल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसका बल्ला बिल्कुल खामोश बैठा है तो उसका तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेहतर ये होगा कि संजू सैमसन पर कम से कम T20 के लिए विचार किया जाए, क्योंकि उनको हमने T20 क्रिकेट में ही जलवा दिखाते हुए देखा है। और बड़े फॉर्मेट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं और वनडे के लिए आप ईशान किशन को भी अजमा सकते हैं। तो संजू सैमसन का दावा मैं समझता हूँ T20 के लिए ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ये डिपेंड करेगा बहुत कुछ सिलेक्टर्स पर। सर, जैसे वनडे की बात हुई, लेकिन इस जो सीरीज़ में पूरे 5 मैच की सीरीज़ में एक भी वनडे मैच दिखा नहीं बारिश के चलते। कोई 26 ओवर का मैच, कोई मैच डिले हो गया नेक्स्ट डे के लिए, कोई 20 ओवर का मैच। कि अगली बार अगर इंडिया की सीरीज़ हो तो ऐसे कोई वेन्यू पे हो जहाँ पे ये अगर फोरकास्ट उनको पता हो, क्योंकि सर अगर आप किसी 50 ओवर के लिए किसी प्लेयर को अगर आप जज करना चाहो तो वो किस बेसिस पे करेंगे? या तो 20 ओवर मैच हो गए हर। देखिए, जुलाई अगस्त का महीना तो भारत में आपको पता ही है, बहुत ही बारिश वाला मौसम होता है। तो सितंबर का पहला ही सप्ताह है तो यहाँ पर बारिश होना कोई बहुत अनयूजुअल नहीं है कम से कम, तो बारिश तो होगी ही। और मैं समझता हूँ 50 ओवर के या फॉर्मेट में अगर आपको 20-20 की अगर प्रैक्टिस मिल रही है तो कोई बुराई नहीं है, आपको कुछ गेन ही कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। सही बात। लेकिन आपको 50 ओवर के हिसाब से मैं मानता हूँ आपकी बात सही है कि जो हमने अगर एटलीस्ट एक मैच भी पूरा होता तो बात होती, सारे मैच सर इतने शॉर्टन हो गए ओवर में। हाँ, तो इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि अब या तो आप सही समय का चयन करें, लेकिन क्रिकेट की व्यस्तताएँ इतनी ज़्यादा हैं कि उसमें चॉइस नहीं रहती किसी मेज़बान देश के लिए कि कौन सी टीम कब कौन से महीने में उनकी इच्छा से खेले। जब वो उपलब्ध होती हैं तभी खेल पाती हैं। तो उपलब्ध होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यही सोचकर संतोष कर सकते हैं, 50 ओवर ना से आपको T20 का एक अवसर तो मिला। और श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेली, एंड में आके उन्होंने 19 बॉल पे 36 रन बनाए, ताकि मैंने बताया कि 4 चौके जो उन्होंने एक ओवर में लगाए हैं उससे उनका औसत बहुत ही जबरदस्त हो गया है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक अबव पार स्कोर सेटअप कर देते हो बोर्ड पे तो सामने वाली टीम वैसे धराशायी हो जाती है, कंधे झुक जाते हैं कि हमें 200 के ऊपर चेस करना है। अगर वही 180 या 190 होता तो अलग कॉन्फिडेंस में उतरती है टीम। तो ये हो गई बल्लेबाजों की बात। अब सर गेंदबाजों में किसी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? शार्दुल ठाकुर, देखिए 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट, बहुत ही अद्भुत गेंदबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया और इंडियन टीम में भी उनको अवसर
अवसर मिले थे, मुझे याद है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने एक बार चार विकेट चटकाए थे, चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, आईपीएल में आपने देखा होगा, और इनको आमतौर पर धोनी जो है ना वो नई गेंद से ही इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो नई गेंद का मतलब ये है कि, लेकिन हालांकि ये कई बार कह भी चुके हैं कि वो स्लॉग ओवर्स में भी बॉलिंग करना चाहते हैं, स्लॉग ओवर उनकी पसंदीदा जगह है जहां वो बॉलिंग करना चाहते हैं। इस बार भी उनको दो ओवर उन्होंने शुरू में किए, दो ओवर बाद में किए, तो ऐसे खिलाड़ी को अवसर देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो एक पूल है भारत का, बहुत अच्छा पूल है खासकर फास्ट बॉलर्स का, जिसमें जो टीम में नहीं है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी संभावनाएं अपने अंदर उजागर कर रहे हैं। शिवम दुबे का हम जिक्र करते रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल, और बल्लेबाजी तो अच्छी कर ही रहे हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर ने जो उम्मीदें जगाई हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ है, और पिछले मैच में मैंने देखा था वाशिंगटन सुंदर हों, राहुल चाहर हों, बहुत किफ़ायती गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार सारे बहुत महंगे साबित हुए हैं, इकोनॉमी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि शिखर धवन अगर टीम में आते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि एक केएल राहुल या बाकी जो और खिलाड़ी हैं या कोई भी फॉर्मेट की अगर आप बात करें तो उन पर भी एक दबाव रहेगा और वो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे, कम से कम निश्चिंत होकर नहीं बैठ जाएंगे कि अपनी टीम में जगह पक्की है। और जब कोई खिलाड़ी ये सोच लेता है तो वहीं मैं समझता हूँ उसका पतन शुरू हो जाता है। जी, जैसे गेंदबाजों की बात हो रही थी, शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए, वाशिंगटन सुंदर थोड़े महंगे साबित हुए लेकिन उन्होंने 2 विकेट लिए, साथ ही में ईशान पोरेल, तुषार देशपांडे और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिए। सर, अब तो ये बात हो गई इस मैच की, पूरे सीरीज़ का अगर हम लोग पूरा देखें एक बार जिसमें, तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने दावेदारी पेश की है अगले T20 सीरीज़ के लिए, या तो सीधे जो 2020 में वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए? T20 वर्ल्ड कप के लिए तो जैसा हमने शिवम दुबे का नाम लिया एक ऑलराउंडर के तौर पर, हम तो यूटिलिटी प्लेयर देख ही रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बड़ी बेसब्री से, क्योंकि आप देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टीम घोषित हुई है भारत की, उसमें भी कोशिश यही हुई है कि आपके पास बेशक बॉलिंग अटैक आपका थोड़ा सा हल्का हुआ, एक्सपेरिमेंटल आपने रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लेयर टीम में आजमाइश के तौर पर आपने रखे हैं, लेकिन कोशिश ये भी है कि बल्लेबाजी प्लेयर को आती हो, यूटिलिटी प्लेयर हो, उपयोगी अपनी उपयोगिता वो बैटिंग में भी दिखाए, बॉलिंग में भी दिखाए, फील्डिंग में भी दिखाए, तो ऐसे प्लेयर जो हैं उनकी तलाश करनी होगी। और अब तो विकेट कीपर के 3-3 ऑप्शंस हैं, शिखर धवन भी अब रेस में आ गए हैं, T20 तो खेलते ही रहे हैं पहले भी वो, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ऑप्शन है। और बाकी वाशिंगटन सुंदर थोड़े से पिछले मैच में भारी, थोड़े से इस मैच में इकोनॉमिकल नहीं रह पाए, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ जो आर अश्विन टेस्ट में खेलते हैं उन्हीं का एक रूप है T20 का, क्योंकि वो पावर प्ले में भी अच्छे बॉलिंग करते हैं और जहां उनको आप सेट कर दें, जहां बॉलिंग दें, बहुत ही इकोनॉमिकल रहते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप में भी बहुत रूप का इक्का साबित हो सकते हैं। सर, तो T20 वर्ल्ड कप की अगर बात हो रही है तो रवि शास्त्री का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हमें जिस तरीके से T20 क्रिकेट खेलते हैं बदलना पड़ेगा। जब उनका हेड कोच का दोबारा अपॉइंटमेंट हुआ था तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि अब जो सिर्फ 5 से 6 होंगे वही ODI के प्लेयर्स हम T20 में लाएंगे, बाकी उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हैं तो यंग स्क्वाड चाहिए हमें, लेकिन जो T20 की ने जो स्क्वाड डिक्लेयर किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें तो सर 9-10 प्लेयर तो ऐसे ही हैं जो ODI के प्लेयर हैं उनको खिला रहे हैं, बुमराह शमी को रेस्ट कराया फिर तो 11 हो जाएंगे। बॉलिंग में तो कम से कम आप अपनी एक नई सोच के साथ चल रहे हैं, और बैटिंग में हाँ मैं मानता हूँ कि वही वनडे वाले प्लेयर ज़्यादातर T20 में आपको अभी यंग टैलेंट्स अभी ढूंढने हैं, तलाशने हैं, अभी बहुत मौके हैं, लंबा टाइम है, 20-22 मैच अभी खेलने हैं, उसके अलावा भी जितने डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है और खासकर जो इंडिया ए के मैचेस हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में तो ये कहकर बचाव कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर फास्ट बॉलर्स का वो स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ आप सेंचुरी बनाए या डबल सेंचुरी बनाए बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया ए के लिए जब आप साउथ अफ्रीका ए से या किसी और नेशनल टीम से खेलते हैं तो आपका सही टैलेंट सामने आता है और सही आपको अंदाज़ा होता है खिलाड़ी का, उसकी क्षमताओं का पता चलता है आपको, तो आपके पास कई विकल्प हैं। अभी मैं नहीं समझता कि अभी से ही हम कोई वर्ल्ड कप की टीम घोषित कर दें या अपने दिमाग में माइंड सेटअप कर लें कि इन्हीं खिलाड़ियों को खिलाना है, अपने ऑप्शन खुले रखने चाहिए कम से कम अगले 3 से 4 महीने तक। ठीक, तो ये था हमारा लेटेस्ट अपडेट, 4-1 से सीरीज़ अपने नाम कर लिए इंडिया के धुरंधरों ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स।